देखिए नवनिर्वाचित प्रधानों को अपनी जिम्मेदारियों के मिलने का इंतजार। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान ग्राम पंचायतों को सैनिटाइज कर कोरोना महामारी के संक्रमण को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जालौन के माधोगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद नवनिर्वाचित प्रधानों को अपनी जिम्मेदारियों के मिलने का इंतजार है। ऐसे में कोरोना वैश्विक महामारी के चलते सरकार द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों को अभी ग्राम पंचायत का बस्तर नहीं सौंपा गया। वहीं शासन द्वारा ग्राम पंचायतों की रणनीतियों के तहत सारी प्रक्रियाओं को पूरा करके ही आगे की ओर नियुक्त किया जाएगा व जल्द ही उक्त दिनांक को कार्यभार सौंप कर नवनिर्वाचित प्रधानों को जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। हालांकि बस्ता सौंपने से पूर्व पंचायत के अन्य प्रतिक्रियाओं को मातहत रखा जाएगा, जिसमें मेंबरों की सूची तैयार कर व अन्य प्रक्रियाओं को पूरा कर ग्राम पंचायतों का बस्ता सौंपा जाएगा। तो वहीं ग्राम पंचायत रेडर नावली कुशमरा कन्हरपुरा रूपपुरा पराशनी से नवनिर्वाचित प्रधानों का मानना है कि जो भी विकास कार्य ग्राम पंचायतों में सरकार द्वारा उन्मुक्त होंगे उन कार्यों को आगे की ओर प्रेषित करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। तो वहीं रेडर श्री कृष्ण कुमार रजक ने कहा कि अभी कोरोना काल को देखते हुए ग्राम को सैनिटाइज कराना ग्राम के लिए अहम कार्य है। वह जितेंद्र सिंह ध्रुवपाल राजावत संतराम राठौर दीवान राम जीवन लाल वंशकार बुद्ध सिंह कुशवाहा ग्राम पंचायत खिलौर से कहा कि अभी फिलहाल ग्राम पंचायतों को स्वच्छ रखना व सैनिटाइज को करवाना अति आवश्यक है। वह ग्राम को सैनिटाइज के जरिए से ही कोरोना वैश्विक महामारी को हराया जा सकता है व एक ग्राम पंचायत की जिम्मेदारियों को मातहत होने में विकास कार्यों को करना हमारी पहली प्राथमिकता शामिल होगी। प्रधान के चुनाव में आप कितने पदों से विजय हुए हैं? 170 कितना 72 172 जी। और आगे की क्या नियमितताएँ रहेंगी? सब अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा काम करेंगे। अभी आपके गांव में पिछली विकास कार्य पड़ी हुए हैं, जैसे कि नाली अभी भी बह रही है आपकी। हाँ, नाली बह रही है। इस दौरान क्या क्या प्रतिक्रिया रहेंगी? सब कुछ होना चाहिए, सब अच्छा होना चाहिए। सर मीडिया के जरिए से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सब अच्छा होना चाहिए हमारा। सर कौन सी ग्राम पंचायत? अभी पंचायत चुनाव में आप कितने वोटों से विजयी हुए? 763 वोटों। और जो ग्राम पंचायत में पिछड़े कार्य बचे हुए हैं उनमें आगे की क्या प्राथमिकता है? आगे की प्राथमिकता है कि गांव का जितना यही विकास की कार्य लगाऊंगा पूरी भरपूर विकास करेंगे जी। मीडिया के लिए है अच्छी खबर है, अच्छी चीज जरूरी है जो काम करेंगे वो मीडिया द्वारा हम लोग ठीक। ग्राम पंचायत रेहंडर जिला पंचायत है। रेहंड जिला पंचायत में जो भी पंचायती चुनाव हुआ था उसमें कितने मतों से आप विजय हुए? हम 282 मतों से विजय हुए जी। आगे क्या उन्मुखता रहेंगी विकास को लेकर? विकास को लेकर ईमानदारी से जो भी कार्य होगा पूरी ईमानदारी और निष्ठा से होगा और 100% गांव का विकास होगा। मीडिया के माध्यम से आप कैसा संपर्क बनाना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? मीडिया के संपर्क से यह कहना चाहते हैं कि सबसे प्राथमिकता गांव का विकास, जो गायों के अन्ना पशु हैं उनकी व्यवस्था करना और जो रोजगार ग्राम पंचायत के अकॉर्डिंग होते हैं उनको रोजगार दिलाना, ये सब हमारी प्राथमिकता रहेगी। राम जी आपका? राम जिला। कौन सी ग्राम? जालौन से मनोज शिवहरे की रिपोर्ट UP 24 न्यूज़। 343 में तो उसे भेजा हुआ है।